और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में ब्रजरज उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने मथुरा में आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रज के रज रज में राधा है और कण कण में कृष्ण। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ब्रज लालजी और लाडली जी के प्रेम का साक्षात अवतार है। ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा और गुजरात के पौराणिक संबंधों को जोड़ते हुए कहा कि द्वारिका आकर ही भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हुए थे। ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है, ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति ये संत मीराबाई की बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपके सेवा में लीन हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संत मीराबाई की 525वां जन्मोत्सव ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का भी एक उत्सव है। उन्होंने कहा कि संत मीराबाई का जीवन भक्त और भगवान के बीच श्रद्धा का बेजोड़ उदाहरण है। मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है, ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए है। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर
भारत की चेतना को सींचा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद भी ब्रज क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं हुआ। जो लोग ब्रज भूमि की आध्यात्मिक चेतना को दुनिया में नहीं फैलने देना चाहते हैं वो ब्रज क्षेत्र को पीछे रखते थे, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब ब्रज का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। साथियों, ब्रज क्षेत्र में देश में हो रहे हैं बदलाव, ये विकास केवल व्यवस्था का बदलाव नहीं, ये हमारे राज के बदलते स्वरूप का उसकी पुनर्जागृत होती चेतना का प्रतीक है। और महाभारत प्रमाण है कि जहां भारत का पुनरुत्थान होता है वहां उसके पीछे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर होता है। उसी आशीर्वाद की ताकत से हम अपने संकल्पों को पूरा करेंगे और विकसित भारत का निर्माण भी करेंगे।